वाईदू न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पाक मीडिया की खबर आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है और आप जब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वीडियो बनाने का हौसला कम हो जाता है। कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई वीडियो गलत लगती है तो हमें कॉमेंट करके बताएं और पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं कॉमेंट में बताएं। अजीम भारत हर चढ़ते दिन के साथ नई साजिश तैयार करता है। कुछ दिनों बाद उसकी वो साजिश बेनकाब हो जाती है और बेनकाब होने के बाद उसे मुंह की खाना पड़ती है। अब फिर से भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक नई साजिश तैयार की है। वो साजिश है क्या? उसके तहत मकबूजा कश्मीर के 12 से 13 इलाके ऐसे हैं जहां पर कशीदगी मजीद बढ़ सकती है, वहां पर साजिश अनासर मजीद मुतहर्रिक हो सकते हैं। मनसूबा है क्या और ये सब कुछ किस तरीके से होगा, राणा साहब क्या है? देखिए यासर सर, बड़ी बात किस्मती है कि वो मुल्क जो अपने आप को दुनिया का बेहतरीन मुल्क कहता है, जहाँ पर जमहूरियत की बातें की जाती हैं, उसी मुल्क की हुकूमत, उसी मुल्क के हुक्मरान भारत के कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में किस तरह शब खून मारा जा रहा है। इतने अरसे से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो खूनी खेल खेला जा रहा था, अब उस खूनी खेल को मज़ीद ये ऐसा खूनी बनाना चाह रहे हैं कि जिसके मतलब हम कह सकते हैं कि चंगेज़ खां या हलाकू खां उसके दौर में जो होता था, ये वही गेम खेलने जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के बहुत से इलाके जो हैं उनके ऊपर इन्होंने टारगेट रखा हुआ है और हमारे पास ये कन्फर्म इतलात हैं। चूँकि इतलात इसलिए कन्फर्म है कि इस हवाले से पाकिस्तान के और खुद भारतीय मीडिया के अंदर भी ये बात आ चुकी है कि भारतीय पुलिस, भारतीय फ़ौज मिलकर मकबूजा कश्मीर के अंदर उन इलाकों के पे ऐसी शब खून मारना चाह रही है जहाँ पर उन्हें यह नज़र आ रहा है कि इन इलाकों के अंदर से तहरीक जोर पकड़ रही है। हालांकि पूरे मकबूजा कश्मीर में बच्चे से लेकर बड़ा, छोटे से लेकर बड़ा, औरत मर्द सब तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं। अब इन्होंने यासर ये प्लानिंग की है कि जिन इलाकों को इन्होंने टिक मार किया है उन इलाकों का नाम इन्होंने ब्लैक के नाम से रखा है, ब्लैक एक उन्होंने कोड वर्ड रखा अपना। वहाँ पर क्या किया जाएगा कि आइंदा चंद दिनों में अचानक रात के वक्त वहाँ पर आग लगाई जाएगी पूरी पूरे के पूरे इलाकों को। उसके लिए उन्होंने बाकायदा ऐसी गने इस्तेमाल करेंगे, ऐसे गोले इस्तेमाल करेंगे कि खुद इलाके से काफ़ी दूर रहें और मुख्तलिफ घरों के ऊपर पेट्रोल बम टाइप के गोले फेंके जाएं और उनके बाद वहां पर ऐसा केमिकल फेंका जाए कि जिससे आग तेज़ी से भड़क उठे और इसका नतीजा तो बहुत खौफनाक। जी भाई, वो कह रही है ये इसलिए बड़ा खौफनाक नतीजा निकलेगा कि ये आग जो वो चंद इलाकों में लगाना चाहते हैं, इस आग की लपेट में पूरा भारत आ जाएगा। मकबूजा कश्मीर में लगने वाली आग की लपेट में पूरा भारत आएगा। सिर्फ फायदा क्या होगा? ये तो उल्टी मुंह की खाना पड़ेगी। देखें ये चूंकि पहले दिन से उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, अब वो कहते हैं कि जी हमने जो हरबा इस्तेमाल किया, हमने कर्फ्यू लगाया, हमने तशद्दुद किया, नौजवानों को पकड़ के कत्ल किया, लड़कियों के साथ रेप किया, घरों को जलाया, वहाँ पर कैदो बंद की सहूलतें दी गई, सब कुछ किया गया, उसके बावजूद भी तहरीक कम होने की वजह तेज़ होती जा रही है, तहरीक तेज़ हो रही है, नौजवान बाहर निकल रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें ले रहे हैं, मगर इसके बावजूद कश्मीर की तहरीक से पीछे नहीं हट रहे। आपको पता, इंडिया ने पिछले दिनों एक ड्रामा करने की कोशिश की, इन्होंने बाकायदा अपने ही लोगों को भारतीय परचम देकर मुख्तलिफ इलाकों में भेजा कि आप मुख्तलिफ इलाकों में जाके भारतीय परचम लहराएं, उसकी वीडियो बनेंगे, हम कहेंगे कश्मीर में भारतीय परचम लहराया गया। लेकिन देखें, जिस जैसे ही वो लोग एक ड्रामे के तौर पे गए तो वहां पर कश्मीरी नौजवानों ने उनकी दुर्गत बना दी और फिर हुआ क्या कि अगर किसी जगह पर 20 परचम नजर पाकिस्तान के आते थे, किसी जलसे में 5 नजर आते थे, तो अब उस जगह पर लोगों ने पाकिस्तानी परचम के लबास बना लिए। अब लोगों ने वहां पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले पाकिस्तानी परचम लहराना शुरू कर दिया है। अब वहां पर जो रियाज शहीद हुए हैं, आपको पता उसकी उनकी लाश भी जो है पाकिस्तानी परचम में लपेट के उन्हें दफनाया गया है और उस शहीद के बच्चों ने, मियां फैमिली ने, सारी ने फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो इन हालात में अब यह खौफनाक खेल खेलना जा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जिस तरह हलाकू खान बस्तियों की बस्तियों को जला देता था, आग लगा देता था और उस दौरान में जो बाहर निकलते थे उन्हें गोलियों की बुछार का सामना करना पड़ता है पड़ेगा, ये इन्होंने कहा वो तलवारें ही नहीं चलाते थे, ये गोलियां चलाएंगे। ये एक बड़ी खौफनाक साजिश है जो उन्होंने तैयार की है और ये साजिश जो है ये चंद बस्तियों को जलाने की साजिश पूरी भारत को जला देगी। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ ब्रेक करूँ, यहाँ सर हम अपने प्रोग्राम में ये चीज़ ब्रेक कर दें कि आपको पता है एक तरफ वहाँ पर यह खूनी खेल खेला जाएगा तो दूसरी तरफ भारत ने बाकायदा बारी फंडिंग कर दी है गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतहाबात में।
कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऐसी दहशतगर्दी की वारदातें कराई जाएँ कि किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर होने वाले इंतहाबात को रोका जाए या उन इंतहाबात को खूनी इंतहाबात बनाया जाए। और इस सिलसिले में भारतीय मीडिया की पूरी एक टीम, पूरा एक ग्रुप जो है उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई है। ये जो आजकल ड्रामे कर रहे हैं ना वो कि गिलगित बल्तिस्तान का वेदर भारतीय मीडिया अपने दिखा रहा है अपने चैनल्स पे, तो ये सारा कुछ टाइम खत्म हो चुका है मेरे पास। अगर चिंगारी को हवा दी जाएगी तो याद रखिए कि वो आपके दामन तक भी आग पहुंच सकती है। नाज़रीन, भारत में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत में जो पुलिस और फौज है उसकी सरपरस्ती में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही साथ निचली जात के जो अफराद हैं उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जहां पर पुलिस ने नाके लगाए होते हैं, पुलिस के जवान तो वहां पर तैनात होते ही हैं, साथ ही साथ उनके इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों में मुलव्वस आरएसएस के गुंडे भी होते हैं जो हर आने जाने वाले निचली जात वाले को तजहीक का निशाना बनाते हैं, उन पर तशद्दुद भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा तशद्दुद अब तक मुसलमानों पर किया जा चुका है। पिछले दिनों कुछ वीडियोज़ भी सामने आती रहीं जो हम आपको गाहे बगाहे दिखाते रहे, गुंडे पुलिस की सरपरस्ती में दंदनाते फिर रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, और पुलिस उनके साथ उन्हीं लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रही है जिनको तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए वो उनके साथ नाकों पर मौजूद है। इसके साथ दूसरा रवैया ये भी सामने आ रहा है कि निचली जात के जो फौजी हैं वो अपने ऊपर वाले ऑफिसर पर बरहम दिखाई देते हैं, इस हवाले से बहुत से वीडियोज भी सामने आई। राणा साहब, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट होने का दावा करने वाली भारतीय हुकूमत जब अपने ही मजहब की निचली जात वालों को तहफ्फुज़ नहीं दे सकती, उन पर तशद्दुद करती है, तो ऐसे मुल्क में दूसरे मजाहिब वाले कैसे महफूज रह सकते हैं? देखिए यासर, एक बात तो आज मैं बिल्कुल अपने प्रोग्राम में या कर दूं कि भारत टूट चुका है और भारत मजीद टूट रहा है। ये इसकी वजूहत बड़ी क्लियर सी है। भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहे थे वो बहुत अरसा पहले तक भारत का साथ देते थे। पिछले दिनों जो एक बिल मंजूर हुआ उसके बाद मुसलमानों के साथ क्या हुआ आपके सामने है। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा वहाँ पे मारा गया, सबसे ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ना, ये वीडियो किसी गांव की नहीं है, ये गुजरात की है, नरेंद्र मोदी के शहर की है, जहाँ का वो कसाई है, जहाँ का वो चाय बेचने वाला है, ये उस जगह की वीडियो है। इस वीडियो में ये क्या है, ये जिस शख्स को मारा जा रहा है ये एक मुसलमान है और ये घर से नमाज के लिए निकला है, तो वहाँ पर नाके पर पुलिस फौज और आरएसएस के गुंडे मौजूद हैं जो मिलकर इन्हें मार रहे हैं। आप देखें कि एक वर्दी में पुलिस एहलकार उसे मार रहे हैं, सात कपड़ों वर्दी के बगैर जो आरएसएस के गुंडे हैं सिविल कपड़ों में वो उन्हें मार रहे हैं, और इस शख्स को जान से मार दिया गया, इस पर इतना तशद्दुद किया गया, इसकी टांगें तोड़ दी गई, इसके सर को मार दिया गया, इसके बाजू तोड़ दिए गए, और जब यह जिंदगी की बाजी हार गया तो उसके बाद ये वहां पर अपने नारे लगाते हुए चले गए पुलिस के तहफ्फुज में, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के अंदर ये मुसलमानों के साथ खून की होली खेली गई। ह्यूमन राइट्स की तंजीम में हमोश है, इंटरनेशनल मीडिया हमोश है, भारत का अपना बकाओ माल मीडिया हमोश है, और वहाँ पर हो क्या रहा है? ये तो एक तस्वीर आ गई कि मुसलमानों के साथ जो ये कर रहे हैं, मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, अजान नहीं दे सकते, इफ्तारी का ऐलान नहीं कर सकते, सहरी का ऐलान नहीं कर सकते, अपना सामान बेचने नहीं जा सकते, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, और पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है वहाँ पर मुसलमानों की, और अब वो मुसलमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वाकई दो कौमी नज़रिया दुरुस्त था, और अब मुसलमान खड़ा होना शुरू हो गए हैं वहाँ पर, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है, और एक ये तो हो रहा था मुसलमानों के साथ। राणा साहब, अब भारत में ये जो काम पुलिस से ले रहे हैं यही काम फिर आरएसएस से ले लें, पुलिस को पैसे देने की क्या ज़रूरत है, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम तब्दील करके आतंक दल रख लें, क्योंकि काम तो तशद्दुद करना है या दंगे करना ही है। ये बिल्कुल इसी तरह यही हो रहा है ना, मुझे थानों के अंदर कौन बैठा है, थानों के अंदर कंट्रोल जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है आरएसएस का है, वहाँ पर इंस्पेक्टर जिसका मर्जी हो लेकिन कंट्रोल वहाँ के जो सेक्टर कमांडर होता है ना, इनका सेक्टर इंचार्ज होता है उसका चलता है, वहाँ पर थानों में नाकों पर हर जगह पर उन्हीं की चलती है। आपने देखा नहीं पिछले दिनों तो बड़ी चीज़ें वायरल हुई कि मस्जिद को जलाया जा रहा है, लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, पुलिस दूर खड़ी होकर सूखी बांसली जा रही है,
तो आरएसएस के गुंडे सब कुछ कर रहे हैं, और जब मुसलमान उन पर चढ़ाई करते हैं तो पुलिस दरमियान में आ जाती है, फौज दरमियान में आ जाती है। ये बेसिक वर्दी में भी वही है, वर्दी के बगैर भी वही है, ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, ये मुसलमानों के साथ तो यह असर हो रहा था, मुसलमानों के साथ चले हमें समझ आती है कि उनका मुसलमान होना एक जुर्म बन गया भारत के अंदर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है आपको पता है जुनूनी है, और नरेंद्र मोदी एक कातिल है। असल तो दहशतगर्द नरेंद्र मोदी है ना, जिस पर इंटरनेशनल कुव्वतों की नज़र नहीं पड़ती, जिससे इंटरनेशनल कुव्वतें बिल्कुल नवाज नहीं है, उनको नज़र नहीं आता कि भारत सबसे बड़ा खूनी मुल्क है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अकलीतों के साथ बुरा काम हो रहा है। अब दूसरी तरफ चले जाएँ, वहाँ पर क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी करोड़ों की आबादी है दलित, जिसे आप कहते हैं ना दलित, सबसे निचली ज़ात जो हिंदुओं की है, वो दलित, आप देखें कि आप हो क्या रहा है, उन्हीं के मुल्क में उन्हीं के फौजी जिनको इन्होंने मकबूजा कश्मीर में भेजा हुआ है, अब उनके साथ क्या हो रहा है कि वो अपने अफसर के साथ खाना नहीं खा सकते उस मैस में, जिस मैस में अफसर खाना खाता है, उस जगह पे उन्हें वो खाना नहीं मिल सकता जहाँ पे अफसर बैठ के खाता है, वो खाना उन्हें नहीं मिल सकता जो फौज के अफसर खाते हैं, उनकी लाशें उन ताबूत में नहीं जा सकती जिनमें फौज के अफसरों की जाती है, उनकी लाशें हमने दिखाई थी पिछले दिनों, आपने देखा ना गत्ते के डब्बों में जा रही है। तो अब हो क्या रहा है, अब मकबूजा कश्मीर जो है ना इंशाल्लाह आज़ाद होगा और भारतीय फौजियों का कब्रिस्तान बन रहा है, वहाँ पर जितने निचली जात के फौजी थे बहुत बड़ी एक तादाद थी, उन सब ने अब बाकायदा तौर पर ओपन होकर जब वर्दी में कोई फौजी आकर अपने आला अफसरान के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब है वो बगावत कर रहा है। अब वहाँ पर पहले तो 13,000 लोग छुट्टी बगैर इतला के चले गए थे, अब कई हज़ार जो फौजी हैं जो निचली जात के हैं उन्होंने वहाँ पर अपना असला भी जमा करवा दिया है, उन्होंने कहा जी हमने काम करना ही नहीं, वो कहते हैं उन्होंने बिल्कुल वाज़े कहा है कि जब मुजाहिदीन के साथ झड़पें होती हैं तो मरने के लिए हमें आगे कर देते हैं, जब कोई जाली ड्रामा दहशतगर्दी का रचाना होता है तो उसमें हम लोगों की बस को टारगेट खुद ही करते हैं, हम लोगों पर खुद ही बम धमाके करते हैं और उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर मजलूम बनने की कोशिश करते हैं। तो आज ये एक फौजी भारतीय फौजी का ये बयान नहीं है, बल्कि ये निचली जात के हिंदू जितने हैं ये उन सब की उसने तर्जमानी की है, और भारतीय फौज के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में है, जो भारत के अंदर है, इस वक्त शदीद तरीन वहाँ पर बगावत हो चुकी है, भारतीय फौजी जो हैं वो निचली जात के उन्होंने वाज़े तौर पर अपना असला जमा करवाना शुरू कर दिया, और मकबूजा कश्मीर में आप आने वाले 4 से 5 दिन, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, या सर आप देखेंगे जो आज़ादी की तहरीक वहाँ तेज़ हुई है, आपको उस तहरीक में एक नया रंग नज़र आएगा, वो रंग क्या होगा, अब मुसलमान मुजाहिदीन के साथ साथ ऐसे तमाम लोग भी वहाँ पे, चाहे वो मुसलमान नहीं भी है लेकिन वो समझते हैं, वो जानते हैं कि भारत वहाँ पर जुल्म की इंतहा कर रहा है, वो मुजाहिदीन का साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। आप देखें ना तमाम कर्फ्यू के बावजूद कर्फ्यू टूट गया ना, और आज रात से भारत का ये आलम है कि भारतीय फौज के अपने आला अफसरान ने कहा कि नए वहाँ से लोगों को बुलाया जाए, भारत से फौज यहाँ बुलाई जाए, जो छोड़ के जा रहे हैं इनकी जगह फुल की जाए, तो वहाँ से आने के लिए तैयार कोई नहीं है, तो अब वहाँ से आरएसएस के गुंडों को ज़रूर लाएंगे लेकिन मुजाहिदीन उनसे निपट लेंगे, और निपटना उन्हें आता है। तो भारत के अंदर इस वक्त जहाँ पर निचली जात के अपने हिंदुओं को माफ़ नहीं कर रहे, मुसलमानों के साथ तो इंतकाम उनका समझ में बात आती है।